फाइनली पोरस जो शो में उसमें आपका एंट्री हो गया एज अ चाणक्य, तो क्या कहना चाहोगे आपके एंट्री? बहुत खुशी की बात है, चाणक्य जैसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिल रहा है जो मैं दूसरी बार कर रहा हूँ। तो टेलीविज़न की जैसे रंगमंच पे मैंने पहले किया था, स्टेज पे मैंने पहले किया था। स्टेज की रीच जो है वो लिमिटेड है, लेकिन टेलीविज़न पे जब आप काम करते हैं तो उसकी रीच व्यापक होती है। तो एक अच्छे कैरेक्टर को आपको प्ले करना है, मौका मिला और लार्जर ऑडियंस इसको देखेगी, इस चीज़ की बहुत खुशी है मुझे। पर ऐसे पहली बार हो रहा है जहाँ पर चाणक्य और पोरस मिलने वाले हैं, लाइक अभी भी कुछ मतलब मिल चुके हैं पोरस के साथ, क्या रीजन था मिलने का? उनके पिता बहुत बुरी तरह से बीमार हैं, एकदम समझ लीजिए मृत्युशैया पर ही हैं और सब आशाएं खत्म हो चुकी हैं। पोरस ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, जड़ी बूटियां पीस के उनको मुंह में डाल के सब कुछ पूरी कोशिश कर रहा है वो, लेकिन वो रिवाइव नहीं कर रहा है। तो उन्हें ये बताया जाता है कि एकमात्र हैं आचार्य विष्णुगुप्त इस पूरे हिंदुस्तान में जो उनको वापस लौटा के ला सकते हैं। तो इसलिए पोरस जो है वो चाणक्य के पास आते हैं। किस वे में अभी मदद करेंगे? उनके पास में मेडिकल साइंस का अच्छा खासा नॉलेज है, तो मात्र उनके पास ही, और मतलब वो अपने विद्यार्थियों को इस सब चीज़ों का ज्ञान देते हैं। तो अब सभी लोग मिलके उनके लिए अलग औषधियाँ बनाएंगे और वो औषधियाँ उनको दी जाएंगी। अब वो रिवाइव करेंगे या नहीं ये आप देखिएगा। लास्टली फैंस और ऑडियंसेस जो है उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे ये शो के लिए, और प्लस पोलस में आपकी जो एंट्री हो गई है? चाणक्य को एंजॉय कीजिए, चाणक्य को समझिए। चाणक्य को हम लोग अभी तक केवल चंद्रगुप्त या नंद, इसके अलावा नहीं जानते थे। ये चाणक्य का एक अलग पहलू है। तो हम लोग कई बार इतिहास को बहुत संकीर्ण दृष्टि से देखते हैं, लेकिन इतिहास कई बार बहुत व्यापकता लिए हुए होता है। तो चाणक्य का एक नया पहलू मुझे आपके सामने करने का मौका मिल रहा है, तो देखिए आप इसका लुत्फ उठाइए। मजबूरी पड़ गई थी कि पोरस को चाणक्य के पास एक न्यू मेंबर जो है अभी शो में आएंगे उनको ये पास जाना पड़ा? मजबूरी ये थी कि जो महाराज बमनी हैं, जो पोरस के पिताश्री हैं, उनको एक बहुत ही मेजर इंजरी हुई थी, बहुत ही जानलेवा हमला हुआ था उनके ऊपर जो अमात्य शिवदत्त ने किया। तो पोरस ने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की कि वो अपने फादर को रिकवर कर पाए, लेकिन वो नहीं कर पाए। इसलिए उनके जो फ्रेंड होते हैं अंबी कुमार, वो उन्हें सजेस्ट करते हैं कि लेट्स गो टू तक्षशिला एंड गेट हेल्प, चाणक्यज हेल्प। तो हम इसलिए तक्षशिला आते हैं, और आपने देखा ही होगा सीक्वेंस जहाँ चाणक्य हमारी हेल्प करने आते हैं। तो पर किसी और से हेल्प लेने के पहले पोरस ने काफी कुछ खुद ही जी ट्राई जी कर जी लिया था, क्या किया था कुछ? काफ़ी कुछ हील करने की कोशिश की थी, जितना कुछ पोरस को नॉलेज है, यू नो, कि औषधि लगाई, उनके मरहम साफ किए, उनको कुछ काढ़ा पिलाया, बहुत कुछ किया, लेकिन उससे भी वो रिकवर नहीं हुए। उनका जो ब्लड फ्लो था वो रुक नहीं रहा था, तो इसलिए वो डिसाइड करता है कि लेट्स टेक इट टू अनदर लेवल, लेट्स गो टू चाणक्य एंड गेट हिज हेल्प। चाणक्य के पास पहुंच तो गए, पर क्या आपको यकीन है कि वो आपकी मदद करने में एग्री हो अब तक? अभी यकीन नहीं है, अभी होप है, उम्मीद है, देखते हैं कि कितना कर पाते हैं। ये तो सीन की बात हो गई, अगर देखा जाए ऑफ स्क्रीन बात किया जाए तो काफी धूप में ऐसे सीक्वेंस शूट करना जहाँ आउटडोर कितना डिफिकल्ट है आपके लिए? डिफिकल्ट है मैम, डेफिनेटली डिफिकल्ट है। इट्स नॉट इजी शूटिंग अंडर द सन, और खासकर जब आप यू नो ऐसी परफॉर्मेंसेज हैं आपके पास जहाँ पे यू हैव टू बी यू हैव टू डू एवरीथिंग लार्जर देन लाइफ, तो इजी नहीं होता, लेकिन अगर आसान होता तो हर कोई कर रहा होता, इसलिए इट्स फन डूइंग सच। लुक की बात किया था तो आपने काफी शोज भी किए हैं, पर जैसे कि परदेश है, वॉरियर हाई है जो, और
उसमें काफी लुक अलग था, अभी ये सीरियल में लुक अलग है, तो कितना चैलेंजिंग था ये लुक को एक्सेप्ट करने के लिए? आई थिंक ये अब तक का मेरा सबसे चैलेंजिंग रोल रहा होगा. इट वाज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग रोल्स आई हैव एवर पोर्ट्रेट, बिकॉज इसके लिए मैंने सिर्फ लुक पे काम नहीं किया बल्कि अपनी बॉडी पे भी काफ़ी काम किया था. आई वॉज प्रीटी लीन बिफोर एंड फॉर दिस पर्टिकुलर रोल आई हैव गेन्ड अबाउट 6 to 7 kgs मैंने गेन किया था प्योर मसल. और बात की जब तो बालों की, आपने देखा ही होगा बहुत डिफरेंट हेयर स्टाइल है, कपड़े बहुत अलग हैं. परफॉर्मेंस की बात की जाए तो परफॉर्मेंस बहुत अलग है शो के अंदर. यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक इंग्लिश, यू नॉट अलाउड टू यू नो बी वेरी कैजुअल विद योर वर्ड्स. तो काफ़ी चीज़ें बहुत डिफरेंट थी, बहुत डिफिकल्ट थी, लेकिन यू नो मेरी ऑडियंसेज, मेरे फैंस को काफ़ी पसंद आ रहा है शो, सबको पसंद आ रहा है, मेरी फैमिली फ्रेंड्स सबको पसंद आ रहा है, तो इट्स ऑल वर्थ इट. नाउ पोरस, आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, थैंक यू बोलना चाहूंगा आप सभी को कि आपकी वजह से ये शो आज इस मुकाम पे पहुंच चुका है. ये जो आपका प्यार है, जो आपका सपोर्ट है, इसको बना के रखिए, इसको बढ़ाते रहिए, एंड डेफिनेटली वी विल नॉट यू नो नॉट लूज वन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रेस यू गाइस. थैंक यू.